नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। जम्मू जिला के तीसरे स्थापना दिवस समारोह एवं समाजवादी नेता तथा स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह की जयंती के समारोह में आज जम्मू जिला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय मंत्री सुमित कुमार सिंह थे। और इस दौरान यहाँ पे जिले में जो भी समाज सेवी संस्था या सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, स्वरोजगार की योजनाएं चलाई जा रही है, उसे संबंधित स्टॉल लगाया गया था। आइए हम लोग उस स्टॉल पे घूमते हैं और वहाँ का अवलोकन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिले में सरकार द्वारा या स्वयंसेवी सहायता समूह द्वारा कौन कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही है। देख सकते हैं यहाँ पर मद्य निषेध और सड़क यातायात सुरक्षा को लेकर के स्टॉल लगाया गया है और यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पे मद्य निषेध और सड़क यातायात से संबंधित जो है स्टॉल लगाया गया है और यहाँ पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और यहाँ पर अभी मौजूद हैं जम्मू के DSP साहब, उनसे आइए बात करते हैं और जानने को। जम्मू के DSP डॉक्टर राकेश कुमार मौजूद हैं और वो प्रदर्शनी में आके घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं उनसे क्या कैसा है। आदरणीय श्री कृष्ण सिंह जी, इसी कड़ी में आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन तरह तरह के स्टॉल लगाए गए हैं और सभी स्टॉल अपने आप में जो बेमिसाल है, क्योंकि आप सर खुद यहाँ पे घूम रहे हैं और देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो जीविका का स्टॉल हो, स्वास्थ्य का हो, अन्य जितने भी स्टॉल लगे हुए सब और शिक्षा का सबका बेहतरीन प्रस्तुतिकरण है और एक बड़ा आनंद हो रहा है। बहुत सारे स्टोरों से कुछ सामान भी खरीदा है और मुझे लगता है कि इन सभी जो देशी उत्पाद हैं जो हमारे जिले की नदी कह रही है उसको प्रमोट करना चाहिए, हर व्यक्ति को लेना चाहिए, खरीदना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों का विकास हो सके, किसान और सभी मध्य निषेध और शराबबंदी के काउंटर पर भी आप बने थे, तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए जम्मू में चोरी छुपेआम जो है काफ़ी जो है अभी भी शराब का जो है मध्य निषेध के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी कार्रवाई भी हो रही है, फिर भी जब तक इसमें समाज का पूर्णतः इसमें भागीदारी और इसकी वजह से हमको समस्या हो रही है लेकिन कार्रवाई हो रही है। कई सारे फूल पौधे का भी स्टॉल लगाया गया है और सड़क सुरक्षा से संबंधित आप देख सकते हैं हेलमेट और परिवहन विभाग द्वारा काफ़ी कुछ लगाया गया और यहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें साफ लिखा गया है कि आप किस जुर्म में कितना फाइन आपको हो सकता है। आप देख सकते हैं बोर्ड पे जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा लगाया गया है जिसमें अपराध की प्रवृत्ति और कितना दंड आपके ऊपर लगाया जा सकता है अगर आप जो है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। आज जो है लगाया गया स्टॉल भी, तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे सर यहाँ पे? देखिए अभी के समय में सुरक्षा के मापदंड या दृष्टिकोण जो भी है वो व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर ढंग से गाड़ियों को चलाते हैं तो अपने जीवन को भी बचाते हैं और इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उसके प्रति भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करूँगा, इससे पहले मैं आप एक बार कृपया समझ लीजिए कि सरकार जो भी फाइन करती है हेलमेट नहीं पहनने के लिए या गलत गाड़ी चलाने के लिए, उससे रेवेन्यू की कोई भरपाई नहीं होती है, आपकी जान को बचाने के लिए ये कवायद की जाती है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया हेलमेट को खरीदें, सुरक्षा के मापदंड को इस्तेमाल करें और उसके उपरांत गाड़ियों को सुरक्षात्मक तरीके से गाड़ी को चलाएं। सर ट्रिपलिंग का यहाँ बहुत बड़ा समस्या है, सर आप देखे होंगे रोड पर ट्रिपलिंग काफ़ी बाइक पर चल रहे हैं, इसके अलावा हेलमेट तो सर कम ही लोग। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ, इसके लिए आप क्या आपको कदम उठाएंगे? देखिए अभी जो हम लोग फाइन्स कर रहे हैं, सड़क सुरक्षा माह भी अभी बीता गया है जिसमें सभी लोगों को जागरूक भी करने की कोशिश की गई है, वो तो हो गया जागरूकता का पार्ट और दूसरा पार्ट है प्यूनेटिव पार्ट। तो कृपया जान जाए कि जमुई में अब अगर आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी तो सारे के सारे कागजात चेक किए जाएंगे, मैक्सिमम फाइन जो हम लोगों ने लगाया है वो 30,000 लगाया है। तो उसमें किस किस पे सर फाइन लगा, किस चीज़ के लिए लगाया था 30,000? काफ़ी जुवेनाइल ड्राइविंग था, यंग लड़का ड्राइव कर रहा था उसमें, तो 25,000 तो उसी का फाइन है, सरकार के द्वारा फिक्स फाइन है। पोल्यूशन के लिए अगर आप 80 रुपये में जाकर अपना पोल्यूशन का नहीं चेकिंग कराते हैं 10,000 रुपये फाइन है, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं 5,000 रुपये फाइन है, ट्रिपल लोडिंग करते हैं 2,000 रुपये फाइन है, बिना हेलमेट के चलाते हैं 1,000 रुपये फाइन है। तो सारे फाइन्स क्यूमुलेट हो जाते हैं और फिर वो संख्या बढ़ जाती है। सर एक चीज़ और है, जैसे जुवेनाइल की आपने बात किया था, जुवेनाइल को तो सर बिल्कुल अपराध ही है गाड़ी चलाना, अगर कोई गाड़ी गार्जियन दे भी रहा है
बिल्कुल बिल्कुल उस पर प्रावधान है, जो मनाइल पे जितने फाइन्स किए जा रहे हैं उस पर प्यूनिटिव एक्शन जो उसके आगे के हैं वो भी कार्रवाई की जा रही है। और मैं आपको अब आश्योर करता हूँ कि अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएंगे तो मैं आपके लाइसेंस को सस्पेंड करूँ। सर ऐसे माता पिता को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जुवेनाइल को अपना बाइक देते हैं गाड़ी देते हैं चलाने के लिए, जिले में काफ़ी देखा जाता है। देखिए मुझे सबसे तकलीफ इस बात की होती है कि जब जुवेनाइल के पकड़े जाते हैं तो उनके माता पिता 200 जगह से फोन करवाते हैं और कहते हैं कि आप गाड़ी को छोड़ दीजिए। कहीं भी कहीं उनको ये अंतर से ये फीलिंग नहीं आती है कि वो एक गलत काम कर रहे हैं। तो ये मैसेज तो स्पष्ट है कि आपका जो नौनिहाल है अगर आप उसके जान से खेल रहे हैं तो भाई अब आपकी सोच। और मैं तो यही सुझाव देना चाहूँगा कि आप अनावश्यक पैरवी न करवाएं। और एक छोटा सा काम है भाई, लाइसेंस बनवाना है, बच्चा जब बड़ा हो जाए तब गाड़ी चलाएगा। ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी है कि आप छोटे से बच्चे को बुलेट थमा देते हैं और उसको बोलते हैं कि वो चला जाए और 100 बहाने लेकर के आप खड़े हो जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नवाज द्वारा स्टॉल लगाया गया है जिसमें जो है हस्त निर्मित सामग्री को रखा गया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो कलाकारी है जो बनाने में इसको। राहुल जी आप बताएंगे ये कैसे, क्या हस्त निर्मित है या कैसे? इसके तहत जो आप लोग बांस का जो चीज़ें हैं, बांस का है और इसके अलावा ये फूड प्रोसेसिंग में क्या, ये नमकीन का ये मिक्सर है और ये भी नमकीन जो है उन्हीं लोगों के द्वारा सीखा गया और फिर वो लोग बनाए हैं उसी का आप लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। और बाकी जो आप देख रहे हैं फूल गोभी भी आपके स्टोर पे ये है, ये नाबार्ड के द्वारा एक स्पॉन्सर्ड ये FPO है जो आप लोग तो उसी के तहत प्रदर्शनी में रखा है। प्रदर्शनी में जो है अमृत जीविका नीरा उत्पाद समूह के तरफ से क्या चीज़ पिला रहा है, तो नीरा पिलाया जा रहा है। आइए इसका स्वाद लेते हैं और जानते हैं क्या चीज़ है। ये आप देख सकते हैं अमृत जीविका नीरा उत्पाद समूह द्वारा स्टॉल लगाया गया है जिसमें नीरा पिलाया जा रहा है। आइए जानते हैं है क्या चीज़, एक बार ये बताएंगे क्या चीज़ है ये? जी सर, ये खजूर का रस है जो धूप मैंने सूर्य उगने से पहले हम इसको निकालते हैं उसके बाद इसको जो है। तो इसका क्या फ़ायदा है पीने का इसमें सर? आप जानिए हम निकाल रहे हैं, इसमें क्या फ़ायदा है इसको पीने का? इसको सर पीने से है कि मानिए सुबह सुबह पौष्टिक मिलता है, जो है करता है और सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। वो क्या करते हैं PG, ठीक है, नबी नगर में PG है तो वहीं 40 समूह मिला के एक लोग PG तैयार होता है। उसमें क्या किया जाता है कि सुबह सुबह जो लवनी होता है उस लवनी में चूना का लेप लगाया जाता है। लेप लगाने के बाद उस लवनी को सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद क्या होता है उसको शाम में लगा दिया जाता है और सुबह जो है एकदम सुबह 3 से 4 बजे एकदम मॉर्निंग टाइम में ही उतारा जाता है। उतार के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक हम लोग को सेंटर होता है, कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। आप तमाम श्रोताओं से निवेदन है वहाँ पे पहुँचाते हैं जो फिर हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं मुख्य पंडाल में आवे और इस कार्यक्रम को देखकर इसका लाभ उठावे। ये कहाँ का डिश है ये? तो यहाँ पे आप लोग बना रहे हैं थोड़ा सा इसका सेल और बाहर जाता है जम्मू जिला से बाहर
भी आप तो इसमें जो मैम है, आप लोगों का इसका क्या मार्केटिंग कहाँ करते हैं, कहाँ बेचते हैं? Thank you.